हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आपके सामने देख पा रहे हैं कि रेनॉल्ट की डस्टर है, जो कि 2014 का मॉडल है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको एक फॉल्ट आ रहा है, फॉल्ट बोले तो एक फॉल्ट है कि गाड़ी कस्टमर लेके आया, कस्टमर बोल रहा है कि गाड़ी चालू नहीं हो रही है और गाड़ी रनिंग में बहुत सारे लाइट आ जाता है मीटर में, एनीवे कुछ भी कोई भी लाइट आ जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है वो चेक करते हैं आज और अपन देखेंगे क्या फॉल्ट निकलता है इसमें। तो सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, देख पा रहे हैं लाइट वगैरह सब कुछ आ चुका है इधर। अब गाड़ी चालू करता हूँ तो फर्स्ट अपन देख पा रहे हैं इसका सेल डाउन है, यानी बैटरी डाउन है। तो इसमें दूसरा बैटरी लगाते हैं अपन, दूसरा बैटरी टोइंग करके देखते हैं क्या फॉल्ट निकलता है। तो चलो बाहर चलते हैं और दूसरा बैटरी लगाते हैं इसमें। तो इधर बैटरी ऑलरेडी अपने पास पड़ा है, वायर लगी हुई है, तो ये वायर लगाते हैं अपन। ये माइनस में लग चुका और इसको प्लस में लगा देते हैं। तो इधर भी लग चुका है और एक वायर नहीं लगा है, इसको लगा देता हूँ मैं। तो ये भी फाइनली लग चुका दोनों। अब चलो अंदर चलते हैं, चेक करते हैं गाड़ी चालू हो रही है या नहीं हो रही है। इग्निशन ऑन किया, अब गाड़ी चालू कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं गाड़ी चालू हो चुकी है, गाड़ी बराबर चल रहा है, यानी इसका बैटरी डाउन था। अब बैटरी क्यों डाउन हुआ है वो चीज़ें चेक करें, या बैटरी ख़राब है या फिर इसका अल्टरनेटर ख़राब है। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं लाइट आ रही है, किस चीज़ की लाइट आ रही है, अल्टरनेटर की लाइट आ रही है, यानी बैटरी चार्ज, बैटरी का लाइट आ रहा है, बैटरी का सिंबल दिखा रहा है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। तो बैटरी चार्ज ना होने की वजह से इसका बैटरी डाउन हो चुका है। तो चलो इसका अल्टरनेटर में अपन डायग्नोस करेंगे, अल्टरनेटर को खोलेंगे, देखेंगे क्या हुआ है, अल्टरनेटर में क्या फॉल्ट है। तो चलो चलते हैं बाहर। तो आपको मैंने अंदर दिखाया कि इसका बैटरी का लाइट आ रहा है, तो इसका अल्टरनेटर जो दिया है ये रही सामने। तो अल्टरनेटर खोलने के लिए मेरे को सबसे पहले पावर स्टीयरिंग का पंप खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, फिर जाकर के अल्टरनेटर निकलेगा। तो मैं सबसे पहले बैटरी वायर रिमूव कर देता हूँ, ये जो लगाया हूँ एक्स्ट्रा वो निकाल देता हूँ और फिर इसको खोलने के लिए चलते हैं अपन। तो फाइनली बैटरी वायर निकाल चुका हूँ और सबसे पहले आप इसका बेल्ट भी चेक कर लें। कभी कभी होता है कि बेल्ट निकल जाने से या फिर लूज़ घूमने से भी लाइट आने लगती है, तो ऐसा इसमें कुछ सिस्टम था नहीं, बेल्ट प्रॉपर है। तो सबसे पहले मैं बेल्ट निकाल देता हूँ इसका, बेल्ट निकालने के बाद फिर इसमें आते हैं अपन पावर स्टीयरिंग वाला पंप में। तो फाइनली बेल्ट रिमूव कर दिया हूँ इसको इसका, अब अपने को खोलना है ये वाला पाइपलाइन पावर स्टीयरिंग वाला। तो ये 17 नंबर दिया है और 16 नंबर बोल्ट बेल्ट का था, तो इसको खोलता हूँ और ये दोनों पाइप अलग करता हूँ, फिर इस मोटर को खोलता हूँ, पंप को खोलता हूँ मैं। तो फाइनली ये निकाल दिया हूँ, इसमें पावर स्टीयरिंग का पंप में दो बोल्ट था और एक नीचे तीन, और ये पाइप निकाल दिया हूँ ये वाली, और दूसरा पाइप किधर गया ये वाली निकाल के पावर स्टीयरिंग पंप निकाल दिया हूँ। अब अपने को जो निकालना है अल्टरनेटर खोलना है। तो अल्टरनेटर बाहर कैसे निकलेगा ये चीज़ें, यहाँ बम्पर खोलनी पड़ेगी या फिर क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो चलो फिर मैं
किस तरीके से निकालता हूँ वो चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अल्टरनेटर अपना बाहर आ चुका है, लेकिन क्या क्या खोला हूँ आप देख लीजिए। इधर ये ब्रैकेट का तीनों पावर स्टीयरिंग पंप वाला तो खोलना ही पड़ा था पहले ही, उसके बाद जो है ये वाला बोल्ट इधर का खोलने के लिए ना, ये वाला बोल्ट खोलने के लिए मेरे को फाउंडेशन का तीनों बोल्ट खोलना लूज़ करना पड़ा, थोड़ा ऊपर लिया हूँ तभी जाके वो बोल्ट निकला। उसके बाद रेडिएटर फैन निकालना पड़ा मेरे को, उसके बाद जा करके ये निकला। तो चलो अब इसको मैं बाहर लेता हूँ और इसको खोलता हूँ। अभी कंडीशन तो पूरा सही दिख रहा है, खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो चलो इसको मैं ओपन करता हूँ। ये कवर दिया है, एक और इसको डॉल से कटा के निकल जाएगा, तो चलो इसको मैं निकालता हूँ। तो फाइनली इसको भी निकाल दिया हूँ, देख पा रहे हैं। तो बस इसका ज़्यादातर जो मसला है ना, ये रेक्टिफायर में ही रहता है। तो इसको मैं खोलता हूँ और इसका ब्रश पहले चेक करता हूँ कि ब्रश सही है या ख़राब हुआ है। तो चलो ये दोनों आठ नंबर में खोलता हूँ। तो तीनों आठ नंबर तो खोल दिया हूँ, अब इसको निकालता हूँ। तो देख पा रहे हैं अंदर ब्रश की कंडीशन पूरा ख़त्म होने को। ये वाला तो थोड़ा सा जाम है इसमें, और इसके नीचे वाला जो है इसमें कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से ये चेंज करना पड़ेगा अपने को। और बाकी सब तो सही दिख रहा है, ये चीज़ें जल्दी ख़राब होता नहीं है, बस ब्रश के मसले की वजह से ही ऐसा हो रहा था। और उसके बाद पुल्ली, पुल्ली भी चेंज करवा देंगे। पुल्ली और ये दोनों चीज़ें इसका चेंज करवा देंगे, अल्टरनेटर सही हो जाएगा। तो चलो ये पार्ट मैं मंगाता हूँ, फिर मंगाने के बाद जब पार्ट आ जाएगा फिर आगे का दिखाऊंगा आपको। तो फाइनली ये पार्ट तो इसका मिला नहीं जो मैंने खोल के दिखाया आपको, बट ये पूरा अल्टरनेटर सेकंड में लाया है। तो अपना उसमें जो है सिर्फ प्रॉब्लम था ये वाले इसमें, यानी रेक्टिफायर में और ब्रश में फिस गया था, तो इसका जो है ना उसमें लगा दिया हूँ। तो ये कंप्रेसर, ये अल्टरनेटर फिट कर चुका हूँ, देख पा रहे, बस बोल्ट वगैरह लगाना बाकी है, तो ये सब चीज़ें लगाता हूँ। तो फाइनली इधर का सब फिट हो गया, बेल्ट भी लग चुका है अपना और बैटरी वायर भी लगा दिया हूँ। तो चलो अब अंदर से गाड़ी चालू करता हूँ और देखते हैं लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो बैटरी की लाइट जो आ रही थी पहले, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, कोई लाइट वगैरह नहीं आ रही है, देख पा रहे। ये हैंड ब्रेक की लाइट है, ये डोर की लाइट है। चला गया, ये भी लाइट चला गया। तो गाइस, मैं आपको लाइव दिखाया कि किस तरीके से फॉल्ट था, हो रहा था इसमें क्रिएट हो रहा था, कि कभी कभी गाड़ी जो कस्टमर के पास जो था ना गाड़ी, वो चलाता था ना, तो उसको तो पता नहीं। सबसे पहले लाइट आने लगी इसकी डैशबोर्ड में, यानी मीटर में, क्लस्टर मीटर में बैटरी की लाइट आने लगी थी। तो दो तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन तक चलाया इसने गाड़ी, यानी बैटरी में जितना चार्ज था अपना गाड़ी चलता रहा। उसके बाद बैटरी जब डाउन हुआ तो काफ़ी सारी लाइट आने लगती थी रनिंग में, गाड़ी पिकअप नहीं देती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी थी इसको। तो इसको लगा क्या, ये गाड़ी को अब मेरे को रखना ठीक नहीं है, इसको सेल कर डालते हैं। तो यहाँ पे जो आया था सेलिंग करने के लिए, ये सोच के कि गाड़ी को सेल कर दिया जाए, तो क्या प्रॉब्लम है वो चेक कर लो, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत देख लो, चेक कर लो, थोड़ा बहुत खर्चा आएगा कर देंगे और उसके बाद इसको सेल कर देंगे। तो यही इससे आया था, तो अभी प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुका।
तो गाइज इसको ना, इसका जो अल्टरनेटर है ना, यहाँ पे काफ़ी महंगा है, 2900 रियाल है यहाँ पे ये अल्टरनेटर का प्राइस। और सेकेंड में जो लेके आया इसने सिर्फ वो अपना रेक्टिफायर के लिए उसको सेकेंड में अल्टरनेटर लेना पड़ा। तो जो अल्टरनेटर लेके आया उसका बैरिंग में आवाज़ था, तो मैं इसका पुराना वाला ही अल्टरनेटर में रेक्टिफायर डाल के लगा दिया बस, और कुछ नहीं, सब प्रॉपर चल रहा है, सब ठीक है, सब सही चल रहा है, अभी कोई साउंड वगैरह कुछ नहीं है। तो गाइज ये सब चीज़ें ना मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, बस बाकी और कुछ नहीं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।